तो अब आइए अपनी अपनी कॉपी पेंसिल ले लें। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर इज वन इज टैलेंट नंबर, टैलेंट प्रतिभा, नंबर इज अंक, तो प्रतिभा अंक कह सकते हो इसको। ओके, तो टैलेंट नंबर क्या होता है, व्हाट इज टैलेंट नंबर। टैलेंट नंबर ही ऐसा नंबर है एक जो कभी बदलता नहीं है। इट शोज अ नेचुरल पोटेंसी, तो यह व्यक्ति की प्राकृतिक क्षमता क्या है। ओके, बाय बर्थ उसमें क्या क्या क्षमता है, क्या क्या उसकी शक्तियाँ हैं। हिज टैलेंट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रतिभाएं क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, इससे पता चलेंगी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीचर, मेजर लेसन टू बी लर्नड इन दिस लाइफ टाइम टू, और इस जीवन में वो क्या क्या सबक सीखने के लिए पैदा हुआ है। तो क्या क्या टैलेंट्स लेकर पैदा हुआ है, क्या क्या सबक सीखने के लिए पैदा हुआ है, क्या वो इजीली कर सकता है। हाउ वी विल कैलकुलेट टैलेंट नंबर, द डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या होता है, डे, मंथ, ईयर। डे आपको पता है 1 से लेकर 31 तक तारीख कोई भी हो सकती है, फरवरी है तो 28 तक ही होगा, लीप का साल है तो 29 तक हो सकती है फरवरी का, बाकी महीना कोई 30 दिन का है कोई 31 का है, तो डे वो मतलब है 1 से लेकर 31 तक। मंथ 1 से लेकर 12 तक हो सकते हैं, जनवरी को कहेंगे 1, फरवरी 2, मार्च 3, इस तरह से दिसंबर इज 12, दिसंबर हो जाएगा 12। तो डे 1 से 31 हो सकता है, मंथ 1 से 12 हो सकता है, और ईयर तो कोई भी हो ही सकता है, आपको पता है ईयर। रिड्यूस टू ए सिंगल डिजिट, इनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। सिंगल डिजिट क्या होता है, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक ये सिंगल डिजिट कहे जाते हैं। ओके, इसके बाद डबल डिजिट शुरू हो जाता है, 10, 11, 12, ये डबल डिजिट हो जाते हैं सारे, ठीक है ना। तो डेट ऑफ बर्थ में डे, मंथ, ईयर, इन सबको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, और इसको फिर कहते हैं टैलेंट नंबर, प्रतिभा अंक, या दूसरी बुक्स में लाइफ पाथ नंबर भी मिल सकता है, इसको लाइफ पाथ नंबर कहते हैं। अलग अलग ऑथर की अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो इसको टैलेंट नंबर भी कह सकते हो आप, लाइफ पाथ नंबर भी कह सकते हो, बर्थ फोर्स नंबर भी कह सकते हो। यहाँ हम इसको टैलेंट नंबर ही यूज़ करेंगे अब, क्योंकि बार बार इतना बोलेंगे तीन तीन चीज़ें कन्फ्यूज़न होगा। बस आप दिमाग में रख लीजिए, कुछ ऑथर ने लाइफ पाथ नंबर इसको कहा होगा, कुछ ने बर्थ फोर्स नंबर कहा होगा। ओके, जिस तरह एक लेते हैं अगस्त 15, 1947, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए मंथ पहले लिखना है। न्यूमरोलॉजी में मंथ पहले लिखने की आदत डालिए। न्यूमरोलॉजी में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट मंथ अगस्त 15, 1947, भारत की आज़ादी का दिन है, ठीक है। आपको पता ना, भारत ने जानबूझ के आज़ादी 15 तारीख में ली थी और पाकिस्तान ने 14 तारीख में। तो अगस्त की वैल्यू क्या हुई, न्यूमेरिकल वैल्यू 8, जनवरी होता तो 1, अगस्त क्या है 8वां महीना है तो 8, 15 क्या होता है 1 + 5 = 6, 1947 1 + 9 = 10, 10 + 4 = 14, 14 + 7 = 21, तो इसलिए 21 लिखा है मैंने यहाँ। 1 और 9 = 10, 10 और 4 = 14, और 14 और 7 = 21, 21 फिर से 2 और 1 = 3, तब तक जोड़ते जाना है जब तक वो सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो यहाँ अगस्त 8 हुआ, 15 अगस्त, तो 15 क्या हुआ 6, ये 6 हो गया, और इसको जोड़ा तो 21 आया, 21 का फिर से जोड़ा तो 3 आ गया। तो अब क्या करेंगे, 8 और 6 = 14, 14 और 3 = 17, ये 17 है ना, 17 को फिर जोड़ेंगे, 1 और 7 = 8, तो ये आ गया 8 टैलेंट। 8 जो है इंडिया का टैलेंट नंबर या लाइफ पाथ नंबर या बर्थ फोर्स नंबर है। ओके, इस तरह से ये 8 निकाल लिया। अब 8 के मतलब क्या आगे बताएंगे आपको। ओके, मैं इनके इंटरप्रिटेशन भी बताना शुरू करूंगा, कुछ नंबर डिस्कस करेंगे डिटेल में, कुछ कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे, और कुछ की उनकी इंटरप्रिटेशन, फिर आगे न्यूमेरोस्कोप बनाएंगे, जिस तरह होरोस्कोप होता है ना ज्योतिष में, कुंडली बनानी है, इस तरह न्यूमेरोस्कोप अंक कुंडली वो बनाएंगे। फिर आइए एक ये डेट लेते हैं, जून 25, 1965, जून पहले लिखना है, जून की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुई 6, 6ठा महीना होता है जून, मई 5वां महीना, तो जून कौन सा हुआ 6ठा महीना, तो जून 6ठा महीना है। 25 क्या हुआ, 2 + 5 = 7, 7, 1965 क्या हुआ, 1 और 9 = 10, 10 और 6 = 16, 16 और 5 = 21, 21 यानी 3, ठीक है। तो 6 और 7 = 13 और 3 = 16, ओके, 16 फिर से क्या हुआ, 1 + 6 = 7, 7 टैलेंट हो गया, इस पर्सन का जो टैलेंट नंबर हो गया 7। ओके, तो ये हो गया टैलेंट नंबर, आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ। अब आपका जो डेट है ना, केवल ये डेट, इसके भी मतलब हैं, और फिर ये डेट प्लस मंथ के भी मतलब हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गहरे मतलब हैं डेट, मंथ और ईयर तीनों का मिला के।
ठीक है। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग टूल है आपके पास, ठीक है, वो ये है, डेट, मंथ एंड ईयर, ऑल थ्री थिंग्स, हर एक चीज़ के मतलब हैं। केवल ये इसके सम टोटल का मतलब नहीं है। अभी आप धीमे धीमे डीप में जाओगे ना, आप देखोगे कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, हर एक चीज़ के बहुत गहरे मतलब है यहाँ पे।